तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल SL Teach में। आज जो अब हम क्लास 11 सब्जेक्ट बायोलॉजी का सन 2019 का अर्धवार्षिक पेपर का सॉल्व बताने जा रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आया था, सही विकल्प चुनकर लिखिए जिसका पहला था वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है, तो इसका आंसर है जाति। दूसरा आया था निम्नलिखित में से कौन सी संयोजी ऊतक नहीं है, तो इसका आंसर है अस्थि। तीसरा आया था कोशिका झिल्ली बनी होती है, तो इसका आंसर है लिपिड व प्रोटीन की। चौथा आया था बाष्पोत्सर्जन की दर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है पोटोमीटर। पांचवा है फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई है, तो इसका आंसर है कूपिका। ये इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है। दूसरा आया था खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसमें पहला था केंचुए संघ का सदस्य है एनिलिडा, इसका आंसर है एनिलिडा। दूसरा आया था कोशिका चक्र की गुण सूत्रों की अकारिकी के अध्ययन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त, तो इसका आंसर है अंतरावस्था। तीसरा था क्लोरोफिल का धात्विक घटक है मैग्नीशियम। चौथा आया था पुष्प रूपांतरित है, तो इसका नाम आंसर है प्रोरहा। पांचवा आयन रुद्र की तक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो इसका आंसर है कैल्शियम। ये इंग्लिश में दिए हुए हैं, आप इनके आंसर जो है उसी से मैच कर सकते हैं। इसमें तीसरा है सही जोड़ी बनाइए, इसमें पहला था पांच जगत वर्गीकरण, तो इसका आंसर है आर एच वीटकर। दूसरा था कॉर्क कैम्बियम, इसका आंसर है द्वितीयक वृद्धि। तीसरा है एस ए नोड, इसका आंसर है पेस मेकर। चौथा था ग्रेनम, इसका आंसर है प्रकाशीय अभिक्रिया। पांचवा है रेनिन, इसका आंसर है केसीन। इसमें जो है चौथा क्वेश्चन आया था, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए जिसका पहला था पैरामीशियम के प्रचलन अंग का नाम लिखिए, इसका नाम है सीलिया। दूसरा था एक बीज पत्ती में किस प्रकार का सिरा विन्यास पाया जाता है, इसका आंसर है समांतर। तीसरा आया था एंजाइम की क्रिया विधि का ताला चाबी सिद्धांत किसने दिया, तो इमिल फीसर ने ये सिद्धांत दिया था। चौथा है पौधों में पाए जाने वाले गौसिय हार्मोन का नाम लिखिए, इसका आंसर है एथिलीन। पांचवा आया था मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, इसका आंसर है चक्रत। इसमें जो है पांचवा क्वेश्चन आया था जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं, इसके अथवा में था हार्वेरियम से आप क्या समझते हैं। छठवा है रुधिर के घटकों के नाम लिखिए, इसके अथवा में दोस्तों क्वेश्चन आया था पेरेन्काइमा ऊतक के दो लक्षण लिखिए। सातवा था माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य लिखिए, इसके अथवा में था कार्बोहाइड्रेट के दो कार्य लिखिए। आठवां था सक्रिय अवशोषण एवं निष्कर्षीय अवशोषण में अंतर लिखिए, इसके अथवा में था बाष्पोत्सर्जन एवं बिंदु स्त्राव में अंतर लिखिए। नाइन्थ क्वेश्चन आया था अर्धसूत्री विभाजन क्या है, इसके दो महत्व लिखिए, इसके अथवा में था समसूत्री विभाजन क्या है, इसके दो महत्व लिखिए। दसवां है जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, अथवा में था पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। ग्यारहवा है यकृत के कार्य लिखिए, इसके अथवा में था प्रोटीन के पाचन में अग्नाशयी रस की भूमिका समझाइए। बारहवा है ऑक्सी श्वसन और अनोक्सी श्वसन में अंतर लिखिए, इसके अथवा में था रक्त के द्वारा CO2 के परिवहन को समझाइए। तेरहवा है अनावृत बीजियों एवं आवृत बीजियों में चार अंतर लिखिए, इसके अथवा में था नॉन कार्बोडेट एवं कार्बोडेट में चार अंतर लिखिए। एक प्रारूपी पुष्प की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, इसके अथवा में रंध्र की संरचना का वर्णन कीजिए। पंद्रवा है एंजाइम क्या है, एंजाइम क्रिया विधि को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हैं, इसके अथवा में समसूत्री एवं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में कोई चार अंतर बताइए। सोलहवा है C3 और C4 चक्र में कोई चार अंतर लिखिए, इसके अथवा में था प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय एवं अप्रकाशीय अभिक्रिया में कोई चार अंतर लिखिए। सत्रवा है मनुष्य की आंत की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए, इसके अथवा में था मानव का दंत विन्यास लिखकर मानव में गर्द दंती द्वार दंती व एवं विषम दंती शब्दों को समझाइए। इसमें जो 18वां क्वेश्चन आया था कॉकरोच के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, अथवा में था एक प्रारूपी जड़ के विभिन्न भागों का सचित्र वर्णन। 19वां आया था हाइड्रोपोनिक्स क्या है, इसका महत्व लिखिए, इसके अथवा में था ग्लाइकोसिस एवं क्रेवस चक्र में कोई पांच अंतर। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।